हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का चौथा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और विद्युत सेल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं अपने पहले विषय विद्युत ऊर्जा के साथ। तो आइए सबसे पहले विद्युत ऊर्जा की परिभाषा जानते हैं। दोस्तों, एक निश्चित समय के लिए परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए ईएमएफ के स्रोत द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि ये कार्य कितना होता है। तो जैसा कि हम ओम के नियम से लिख सकते हैं कि V बराबर होगा I गुणा R, जबकि विद्युत धारा I बराबर होती है Q बटे T के। या फिर इसे लिख सकते हैं कि Q बराबर होगा I गुणा T। तो दोस्तों, यहाँ पर किया गया कार्य W बराबर होगा बैटरी द्वारा लगाए गए विद्युत क्षेत्र यानी E के, जो होता है विभव V गुणा आवेश। तो यहाँ पर Q का मान अगर हम रखें तो कार्य W बराबर होगा V गुणा I गुणा T। दोस्तों, जब किसी परिपथ में ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित की जाती है तो वो इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा गतिज ऊर्जा के रूप में ली जाती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के अंदर गति करना शुरू कर देते हैं। अब प्रतिरोध से गति करते समय इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध में उपस्थित आयन तथा परमाणु के साथ टकराते रहते हैं। इसी टकराव की वजह से आयन और परमाणु प्रतिरोध में हिलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है और बहुत ही जल्द प्रतिरोध गर्म हो जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि किसी भी परिपथ को बहुत लंबे समय के लिए चालू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध गर्म होकर परिपथ को नष्ट कर सकता है। खैर, जैसा कि हमने कहा कि ये ऊष्मा का बनना मुख्यतः परिपथ के द्वारा ली गई विद्युत ऊर्जा की वजह से होती है, यानी हम लिख सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होगी V गुणा I गुणा T के। और अगर ओम के नियम की मदद से यहाँ V का मान रखें तो समीकरण बन जाएगी H बराबर I R गुणा I T, या H बराबर होगा I की घात 2 R T के। दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। आइए अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे विषय विद्युत शक्ति की तरफ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों, परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए ईएमएफ के स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है, यानी विद्युत शक्ति पी बराबर होती है किए गए कार्य अर्थात W बटे समय यानी T के। और यहाँ कार्य को लिख सकते हैं V गुणा I गुणा T, यानी शक्ति P बराबर होगी V गुणा I के। अब अगर इसी में हम ओम के नियम की मदद से V का मान I R रखें तो P बराबर होगा I की घात 2 गुणा R के। या फिर अगर हम I का मान V बटे R यहाँ पर रखें तो P बराबर होगा V की घात 2 बटे R के। दोस्तों, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट। आइए अब बढ़ते हैं अगले विषय विद्युत सेल, EMF और आंतरिक प्रतिरोध की ओर। तो दोस्तों, विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ऐसा करने के लिए सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक आवेशित और दूसरा ऋणात्मक आवेशित। धनात्मक आवेशित टर्मिनल को कैथोड भी कहते हैं, जिसे यहाँ हरे रंग से दिखाया गया है, जबकि ऋणात्मक आवेशित टर्मिनल को एनोड कहा जाता है, जो लाल रंग से दिखाया गया है।
दोस्तों, टर्मिनल के असमान होने की वजह से टर्मिनल के बीच एक विभवांतर बन जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होते हैं। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर से प्रवाहित ना हो पाए, इसके लिए दोनों टर्मिनल के बीच एक विद्युत अवघट्य पदार्थ लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करता है। और इसी पदार्थ की वजह से मिलने वाले प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसके अलावा दोनों टर्मिनल के बीच बनने वाले विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल यानी EMF कहा जाता है, जो किसी सेल के द्वारा एक कूलाम आवेश को परिपथ में एक पूरा चक्कर करवाने के लिए दी गई ऊर्जा भी होती है। और इसीलिए EMF का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। आइए अब इनके परिपथ चिन्ह देखते हैं। तो दोस्तों, एक सेल को परिपथ में कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। यहाँ पर लंबी लाइन सेल के धनात्मक और छोटी लाइन ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। और क्योंकि हर एक सेल के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसीलिए एक सेल को परिपथ में कुछ ऐसा दिखाया जाता है। यहाँ पर R सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। दोस्तों, इसी आंतरिक प्रतिरोध की वजह से विद्युत वाहक बल E का मान कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ इस परिपथ में सेल का EMF E है, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध R उपस्थित है, तो इस सेल की वजह से परिपथ में लगने वाला कुल विभव, जिसे यहाँ VBA से दिखाया गया है और जिसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, वह होता है V बराबर E घटा I गुणा R। किसी परिपथ में लगी विभव मापी टर्मिनल विभवांतर को मापती है, ना कि सेल के EMF को। आइए अब इसी पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 12 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 5 एम्पियर है, एक प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ के माध्यम से 0.3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का मान क्या है? परिपथ बंद होने पर बैटरी का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ में एक बाह्य और एक आंतरिक प्रतिरोध उपस्थित है, जिसमें से हमें आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया गया है और हमें बाह्य प्रतिरोध का मान निकालना है। इसके साथ ही हमें EMF दिया गया है, जो 12 वोल्ट है, जबकि परिपथ के अंदर विद्युत धारा है 0.3 एम्पियर और आंतरिक प्रतिरोध है 5 ओम। अब जैसा कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि परिपथ में कुल धारा निकालने के लिए हमें EMF को कुल प्रतिरोध से विभाजित करना पड़ेगा, यानी I बराबर होगा E बटे R जमा R। तो इस समीकरण का उपयोग कर हम बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो होगा R बराबर E बटे I घटा R। अब इसमें सभी राशियों का मान रखने पर R आता है 35 ओम। और जैसा कि हम जानते हैं कि बैटरी की टर्मिनल वोल्टता निकालने के लिए हमें बैटरी के EMF में से आंतरिक प्रतिरोध की वजह से आई विभव में कमी को घटाना होगा, यानी V बराबर होगा E घटा I R, यानी 12 घटा 0.3 गुणा 5, जो आता है 10.5 वोल्ट। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का पांचवा भाग समझेंगे, और इस भाग में हम समझेंगे विद्युत सेल का संयोजन और किरचॉफ के नियम। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं, पहले विषय विद्युत सेल के संयोजन से। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक सेल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, तो उनके संयोजन को एक बैटरी कहा जाता है। अब अगर हम किसी परिपथ के लिए सेल के लिए उपयोग होने वाले चिन्हों को देखें और उन्हें एक दूसरे से संयोजित कर दें,
तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे। और संयोजन के बाद इन्हें कुछ ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अब यदि हम संयोजन के तरीकों पर विचार करें तो किसी परिपथ में विद्युत सेलों को दो तरीकों से संयोजित किया जा सकता है, जिन्हें कहा जाता है श्रेणीक्रम संयोजन, जो कुछ इस प्रकार से होता है, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आइए इसमें सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। दोस्तों, इस प्रकार के संयोजन में सेल एक दूसरे से श्रेणी यानी लगातार एक के बाद एक सिरे से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं। इस प्रकार के संयोजन में यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सभी सेल के आंतरिक प्रतिरोध एक दूसरे से श्रेणी में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से यदि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध देखा जाए तो वह होगा RT बराबर बाह्य प्रतिरोध R जमा आंतरिक प्रतिरोध R जमा R जमा R, यानी RT बराबर होगा बाह्य प्रतिरोध R जमा 3 गुना आंतरिक प्रतिरोध R के। जबकि सेल के श्रेणी में जुड़े होने के कारण सभी विभव को मिलाकर परिपथ का कुल विभव V होगा 3E। अब ओम के नियम की सहायता से हम लिख सकते हैं कि V बराबर होगा I गुणा RT के, तथा इस समीकरण में V और RT का मान रखें तो समीकरण आती है 3E बराबर I ब्रैकेट R जमा 3R के, जिसे I आता है 3E बटे R जमा 3R। यानी यदि अगर हमें N सेलों को श्रेणी में जोड़ना है तो उस स्थिति में I यानी परिपथ में कुल धारा आएगी NE बटे R जमा NR के। आइए अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। इस प्रकार के संयोजन में सेल एक दूसरे से समांतर यानी ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनके आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। यानी कि इस परिपथ के लिए कुल प्रतिरोध RT होगा 1 बटे RT बराबर 1 बटे आंतरिक प्रतिरोध R जमा 1 बटे R जमा 1 बटे R, या RT को लिखा जा सकता है R बटे 3। इसके अतिरिक्त ये आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से श्रेणी में संयोजित है, जिसके कारण परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा R जमा R बटे 3। जबकि समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण कुल विभव V होगा किसी भी एक सेल के EMF यानी E के बराबर। अब ठीक पहले की ही तरह ओम के नियम का उपयोग कर यानी V बराबर I गुणा RT, हम लिख सकते हैं कि E बराबर होगा I ब्रैकेट बाह्य प्रतिरोध R जमा आंतरिक प्रतिरोध R बटे 3 के, जिससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I आती है E बटे R जमा R बटे 3। अब यदि इसी प्रकार N सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उस स्थिति में परिपथ की कुल धारा I होगी E बटे R जमा R बटे N। आइए अब समझते हैं हमारा आज का दूसरा विषय, किरचॉफ के नियम। दोस्तों, किरचॉफ के विद्युत धारा पर कुल दो नियम हैं, जिनमें से पहला नियम कहलाता है किरचॉफ का संधि नियम। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। अब इसे समझने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि कोई 5 शाखाएं आपस में आकर बिंदु O पर संधि बनाती हैं। इस संधि पर किसी एक शाखा से I1, दूसरी से I2 तथा तीसरी से I3 धारा संधि की ओर प्रवाहित होती है, जबकि
चौथी शाखा से I4 और पांचवी से I5 संधि से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। अब किरचॉफ नियम के अनुसार प्रवेश करने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धारा के योग के बराबर होगा, यानी I1 जमा I2 जमा I3 बराबर होगा I4 जमा I5 के। यानी इसे लिखा जा सकता है कि I1 जमा I2 जमा I3 घटा I4 घटा I5 बराबर होगा शून्य के। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम, यानी किरचॉफ का पाश नियम या किरचॉफ का लूप नियम। इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे यहाँ इस परिपथ में कुल चार विभव हैं, एक बैटरी के कारण जो V4 है और बाकी तीन परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों के कारण जो बैटरी के विभव के विपरीत हैं। तो किरचॉफ के पाश नियम के अनुसार इन सभी विभव यानी V1, V2, V3 तथा V4 का योग शून्य होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि V4 घटा V1 घटा V2 घटा V3 बराबर होगा शून्य के। आइए अब आज के ही विषयों पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ में A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करें यदि दोनों बैटरी में शून्य आंतरिक प्रतिरोध है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ कुछ इस प्रकार से है। अब मान लीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा I बैटरी के धनात्मक ध्रुव से बिंदु A की ओर बहता है। अब किरचॉफ के पाश नियम के अनुसार E1 घटा E2 बराबर होगा I ब्रैकेट R1 जमा R2 के, जिसमें राशियों का मान रखने तथा हल करने पर I आता है 2 एम्पियर के बराबर। अब चूंकि परिपथ में विद्युत धारा सेल E1 से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, जिस कारण प्रतिरोध R1 के कारण विभव में उत्पन्न अंतर इस सेल के विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा, इसलिए VA घटा VB बराबर होगा E1 घटा IR1 के, जिसे हल करने पर A तथा B के बीच विभवांतर आता है 9.6 वोल्ट। आइए आज हम शुरू करते हैं हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का छठा भाग। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ नियम के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जानेंगे। इसके बाद समझेंगे मीटर सेतु और उसके बाद देखेंगे पोटेंशियोमीटर या विभव मापी को, उसका सिद्धांत तथा कार्य। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले विषय व्हीटस्टोन सेतु को। दोस्तों, यहाँ पर एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसी प्रकार के परिपथ को कहा जाता है व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ इस परिपथ में चार प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 हैं, और ये परिपथ एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और इसी पूरे परिपथ में विभवांतर V एक बैटरी द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिरोध R1, R3 तथा R2, R4 की संधियों के बीच एक गैल्वेनोमीटर G जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए कि परिपथ में I धारा का प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त R1 से I1 तथा R2 से I2 धारा प्रवाहित होती है। सेतु की संतुलित अवस्था में गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं करती तथा बिंदु B और D समविभव होंगे, इसीलिए R3 और R4 में से भी क्रमशः I1 तथा I2 धारा ही प्रवाहित होंगी। अब बिंदु A पर किरचॉफ का संधि नियम लगाया जाए तो हमें मिलेगा I बराबर I1 जमा I2। अब परिपथ 1 में किरचॉफ का दूसरा नियम यानी
पाश नियम लगाने पर प्राप्त होता है, 0 बराबर R1I1 घटा R2I2। यही से लिख सकते हैं R1I1 बराबर R2I2। इसी प्रकार परिपथ 2 के लिए पाश नियम द्वारा प्राप्त होता है R3I1 बराबर R4I2। अब जैसा कि हमें दोनों परिपथों में किरचॉफ का पाश नियम लगाने से प्राप्त हुआ कि R1I1 बराबर है R2I2 और R3I1 बराबर है R4I2 के, जिसे हल करने पर मिलता है I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1 तथा I1 बटे I2 बराबर R3 बटे R4। दोस्तों, दोनों ही समीकरणों के बाईं ओर समान राशि है, जिसके कारण हम लिख सकते हैं कि R2 बटे R1 बराबर R3 बटे R4। यही संतुलित सेतु के लिए अभीष्ट शर्त है। यदि इनमें से किन्हीं 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात हो तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान इस समीकरण से निकाला जा सकता है। आइए अब बात करते हैं हमारे आज के दूसरे विषय मीटर सेतु की। दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें परिपथ को पूरा करने के लिए 2 भाग खुले रहते हैं, जिनमें से एक के बीच कोई एक अज्ञात प्रतिरोध तथा दूसरे के बीच एक ज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इस उपकरण में 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, जिसके साथ साथ 1 मीटर पैमाना भी लगा होता है। दोस्तों, इस उपकरण को मीटर सेतु के अतिरिक्त स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और यदि इसके सिद्धांत की बात करें तो यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी P/Q बराबर R/X। दोस्तों, इसका उपयोग मुख्यतः 2 रूप से किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए और दूसरा, 2 अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करने के लिए। आइए अब समझते हैं कि इससे एक अज्ञात प्रतिरोध किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ हमने इस मीटर सेतु के एक सिरे DM के बीच कोई एक अज्ञात प्रतिरोध X लगाया है। इसके अतिरिक्त मान लेते हैं कि यह तभी संतुलित होता है जब कुंजी बिंदु B पर आती है, यानी यह तार AB जिसे प्रतिरोध P से दर्शाया गया है, वह तार AB की लंबाई L के आनुपातिक होगा, जबकि दूसरा भाग जिसे G से दर्शाया गया है, वह तार की बची हुई लंबाई यानी 100 घटा L के आनुपातिक होगा। अब जैसा कि हम एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए जानते हैं कि इसके प्रतिरोधों का अनुपात समान रहता है, यानी P/Q बराबर L/100 घटा L, जो बराबर होगा R/X के, जिसे हल करने पर X आता है R(100 घटा L/L। अब ठीक इसी प्रकार हम किन्हीं 2 अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना करने के लिए हम पहले DM के बीच X प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसका मान हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्राप्त किया था और जो था R(100 घटा L1/L1। अब यदि हम DM के बीच कोई अन्य प्रतिरोध Y लगा दें और जिसका संतुलन बिंदु तार के प्रारंभिक बिंदु A से L2 दूरी पर है, तो उसका मान लिखा जा सकता है Y बराबर R(100 घटा L2/L2। दोस्तों, अब दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग देने पर प्राप्त होता है X/Y बराबर R(100 घटा L1/L1 गुणा L2/R(100 घटा L2, और जिसे हल करने पर X/Y आता है L2/L1 गुणा 100 घटा L1/100 घटा L2।
आइए अब बात करते हैं अगले विषय यानी पोटेंशियोमीटर या विभव मापी की। दोस्तों यहाँ चित्र में एक विभव मापी दर्शाई गई है जो इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि किसी तार के सिरों पर विभवांतर उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। अब ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है I गुणा R के, और जैसा कि आपको याद ही होगा कि R बराबर होता है रो L बटे A के। तो यदि R का मान हम पिछले समीकरण में रखें तो इससे प्राप्त होता है V बराबर I गुणा रो L बटे A, या इसे लिख सकते हैं रो I बटे A गुणा L। अब क्योंकि परिपथ में धारा नियत है तथा रो और ए भी अचर राशि है तो इस पूरे व्यंजक को k द्वारा दर्शाया जा सकता है जिससे v बराबर होगा k गुणा l के, या इसे लिख सकते हैं कि v तथा l समानुपाती होंगे। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक पलों की तुलना किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ इस परिपथ में परिपथ एक के लिए यदि देखें तो E1 बराबर होगा K गुणा L1 के, जिससे मिलता है कि E1 बटे L1 बराबर K। अब ठीक इसी प्रकार परिपथ दो के लिए यदि लिखा जाए तो E2 बराबर होगा K गुणा L2 के, और E2 बटे L2 बराबर होगा K के। अब दोनों समीकरणों की तुलना की जाए तो प्राप्त होता है कि E1 बटे L1 बराबर है E2 बटे L2 के, या इसे लिख सकते हैं कि E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। यानी यदि किन्हीं दो सेलों की तुलना तार की लंबाई ज्ञात कर की जा सकती है